नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। जनपद पंचायत घनसौर की शिकारा ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय के मुख्य द्वार पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। गांव के लोग इस तरह से शौचालय निर्माण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि स्कूल के मुख्य द्वार पर इस तरह से शौचालय निर्माण कराए जाने के कारण यहाँ की बदबू से बच्चे परेशान होंगे और उनका अध्ययन अध्यापन बाधित होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्राथमिक विद्यालय भवन में ही मतदान केंद्र भी है। इस तरह से सार्वजनिक शौचालय बनवाया जाना सरकारी गाइडलाइन का भी उल्लंघन है। शासन प्रशासन से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए कारगर कदम उठाए जाने की मांग की है। ये समस्या बच्चियों की बहुत दिक्कत जा रही है यहाँ पे। हाँ, जो कि सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो रहा है, जो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इसको हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा हटा के यहाँ पर नहीं बनाया जाए। बच्चियों की क्या समस्या होगी इससे? बच्चियों की ये समस्या होगी, आने आने जाने वाले व्यक्ति लोग यहाँ पे गंदगियाँ करेंगे और बच्ची अपनी 10 साल की बच्चियाँ भी पढ़ती हैं यहाँ पे, इनको दिक्कत है। और यहाँ पे शराब का अड्डा भी बन सकता है, क्योंकि पुराना शौचालय बना है, उसमें लोग बाग आके शराब पीते हैं। तो बच्चों को और बच्चियों को ये परेशानी की प्रार्थना करने में परेशानी, और यहाँ पे मध्याह्न भोजन जो भी करेंगे तो उसमें गंदगी होगी यहाँ पे, तो बच्ची की भोजन कैसे कर सकती है? इधर पे अध्यापक जो है बबीता श्रीवास्तव, उनने भी सर के पास जाने की शिकायत की, लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ऊपर से दबाव मिल रहा है, मैम बता रही थी। अच्छा, आपने जो SDM सर को दिए थे, क्या उसने कुछ, सर ने कुछ एक्शन लिए? हाँ, कोई एक्शन नहीं लिए अभी SDM साहब ने। हाँ, CEO मैडम को भी हैंड करे थे, तो CEO मैडम अभी तक उनका पता ही नहीं। तो CEO मैम से बात करो, तो CEO मैम बोलती है कि सचिव से बात हुई थी, उनने बोले कि काम बंद हो गया करके, लेकिन यहाँ पर SDM सर से भी बात हुई थी सुबह, तो सर भी बोल रहे थे कि काम बंद हो गया है। तो CEO मैम सर को बता देती हूँ, सर जी मैंने जांच करके आ गई हूँ, लेकिन कोई जांच नहीं हुई है। स्कूल प्राथमिक शाला कन्या शाला सिकारा, उसके सामने ये शौचालय बन रहा है और बिल्कुल दरवाजा के जस्ट किनारे है, तो क्या है वहाँ पर बच्चों को, जैसे आज के समय में ये सर्व शिक्षा अभियान ये चल रहा है, वहाँ खेल खेल बच्चों को पढ़ना चाहिए, तो वहाँ ग्राउंड है ही नहीं है, क्योंकि ग्राउंड के सामने है, और इसके बाद में बच्चियों को प्रार्थना करने के लिए वहाँ पर जगह नहीं है। और चूंकि सर वो एक मतदान केंद्र भी है, वहाँ पर जैसे जो मतदाता मतदान करने आते हैं तो वहाँ लंबी लंबी लाइन लगाते हैं, तो उस समय में लाइन लगाने के लिए भी बड़ी दिक्कतें होती हैं सर। स्कूल के गेट के सामने है सर शौचालय। तो आप लोगों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई? हाँ सर, हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, DRC महोदय को, इसके बाद में वहाँ पर अभी तक कोई ये जाँच ही नहीं हुई सर, कुछ नहीं हुआ। हमारे जनसेक्षक महोदय और कन्या प्राथमिक शाला की जो प्रधान अध्यापिका है, उन्होंने भी हमको बताया था कि ये स्कूल के जस्ट गेट से के सामने ही सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य वहाँ पर किया जा रहा है। चूँकि वह बाउंड्री वाल के अंदर है, अतः वह नियमानुसार तो वहाँ पर शौचालय नहीं बनना चाहिए। हमने इस जैसे ही इनका हमें आवेदन प्राप्त हुआ है, हमने अपने प्रतिवेदन के साथ और माननीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व SDM महोदय को भी हमने इस बात में, मैंने स्वयं जाकर अवगत कराया, उनको बताया, उनको आवेदन भी दिया है, लेकिन अभी जानकारी ये लग रही कि वहाँ पर काम नहीं रोका गया है और काम निरंतर वहाँ चालू है। इस समय में परेशानी क्या है, तो बच्चों को पर्याप्त स्थान नहीं मिलेगा वहाँ पे कि जिसमें वो प्रेयर कर सकें, पर्याप्त वहाँ खेलने कूदने का स्थान नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारी गतिविधियाँ हैं जो बच्चों की प्रभावित होंगी। अब स्थिति ये बनेगी कि वहाँ से उस स्कूल को हटा के ही किसी दूसरी जगह पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड नहीं है और वह पोलिंग बूथ भी कन्या प्राथमिक शाला भी। घनसौर से खबर समय जगत के लिए रघुवीर सोनी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।